नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज। मैं हूं सोनिया, वीडियो जर्नलिस्ट रुस्तम सैनी के साथ। अब हम लोग खड़े हैं सिरसा की अनाज मंडी में, दुकान नंबर 1 के आगे, जहां पर अभी हमें सूचना मिली थी कि यहां पर लूट का मामला सामने आया है। वहीं लोगों के मुताबिक यहां पर बताया जा रहा है कि 13-13.5 लाख रुपए की लूट है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और सीसीटीवी कैमरास देख रही है, और देखते हैं कि क्या आगे की कार्रवाई रहती है। आइए लेके चलते हैं अंदर और जानते हैं पूरा मामला क्या है। और DSP साहब से पूछ लेना यार, मैं बता चुका मैं परेशान हूँ, मेरे को आराम करने दो। अब मेरे को आराम करने दो। एज सच लगभग 1:15 बजे ये वारदात हुई है। एक नंबर शॉप है, उसमें विनोद अग्रवाल जो ऊपर एज ए टेनेंट रहते हैं, तो इनकी अलमीरा से 12-13 लाख के करीब लेके गए हैं। 4 लड़के थे और एक गाड़ी में था। गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली है और एज अर्लीस्ट इसको क्रैक कर देंगे। उनको चोट नहीं लगी, लकीली काफ़ी सेफ्टी रहेगी। उन्होंने मुंह पे टेप जरूर लगाई उनको, ताकि वो बोल ना सकें। और 15-15 मिनट के करीब वो रहे हैं, उसके बाद पोलो गाड़ी वो चले गए। तो हम लगे हुए हैं, हमने अपने पुलिस की जितनी भी क्षमता है तो पूरी लगा रखी है, उसको ट्रेस आउट जल्दी कर देंगे। कोई डर का माहौल नहीं, आप एनालिसिस करें, जो आंकड़े लें, जितनी वारदात हुई हमने मैक्सिमम ट्रेस आउट की है। और सबको अधिकार है वेपन रखने का, लाइसेंस बनवाने का, हमारी पेट्रोलिंग भी कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसा नहीं है। डर का माहौल किस लिए है? इन्होंने इतनी बहादुरी से जो है सामना किया, जो मिस्टर ये अभी मैं इनसे बात करके आया हूँ, कोई उस पर घबराहट की बात नहीं है। आप पैसे का नुकसान हुआ है, वो हमारा काम है, उसको ट्रेस आउट करेंगे, एज अर्लीस्ट करेंगे। तो अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ का पूरा मामला क्या था। वहीं हमने विक्टिम से बात करने की कोशिश की तो वो इस वारदात के बाद काफ़ी थके हुए हाल में दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वो आराम करना चाहते हैं, उन्होंने ये कह के हमें कुछ भी कहने से मना कर दिया। और वहीं SP सिरसा से हमने बात की और उनसे जाना कि इस वारदात को लेकर कि उनका आगे का क्या रहेगा। उन्होंने बोला है कि बहुत ही जल्द मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा। अब देखना यह है कि कितने समय में इस वारदात को सुलझाया जाता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेजी न्यूज़। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।